कहाँ क्या परिस्थितियाँ रही? नहीं देखिए, एक दूसरे से बातचीत, संवाद, आने वाले समय के लिए संघर्ष की तैयारी, और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव परिणाम आया है शायद जनता का विश्वास हम लोग हासिल नहीं कर पाए। आगे बढ़ेंगे, फिर लगेंगे, और उम्मीदों का किरण, उम्मीदों का जो सूर्य है उसको उदय करेंगे। माना जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता तो आपने खड़े कर लिए थे लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाए। देखिए, ये जो चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की राजनीति की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, गरीबी की बात की, मजदूरों की बात की, कोरोना काल के समय लोगों की मदद की। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लाठी खाया, जेल गया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जेल गई, लाठी खाई, सैकड़ों बार से अधिक मुझे जेल जाना पड़ा, सरकार ने मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लिखे। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई थी, संघर्ष था, मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में गए थे, शायद लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर पाए, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय में भी हम विपक्ष की भूमिका में थे, सड़क पर थे, कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, आने वाले दिन में भी कांग्रेस पार्टी ही सशक्त विपक्ष के रूप में सड़क पर आपको नजर आएगी, और पूरी तरह नौजवान, गरीब, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। समीक्षा भी होगी? समीक्षा तो हो ही रही है, ये तो रोज चल रहा है, बातचीत हो रही है, क्या कारण रहा, कौन सी ऐसी स्थिति रही, तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। कहाँ क्या परिस्थितियाँ रही? नहीं देखिए, एक दूसरे से बातचीत, संवाद, आने वाले समय के लिए संघर्ष की तैयारी, और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव परिणाम आया है शायद जनता का विश्वास हम लोग हासिल नहीं कर पाए। आगे बढ़ेंगे, फिर लगेंगे, और उम्मीदों का किरण, उम्मीदों का जो सूर्य है उसको उदय करेंगे। माना जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता तो आपने खड़े कर लिए थे लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाए। देखिए, ये जो चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की राजनीति की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, गरीबी की बात की, मजदूरों की बात की, कोरोना काल के समय लोगों की मदद की। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लाठी खाया, जेल गया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जेल गई, लाठी खाई, सैकड़ों बार से अधिक मुझे जेल जाना पड़ा, सरकार ने मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लिखे। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई थी, संघर्ष था, मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में गए थे, शायद लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर पाए, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय में भी हम विपक्ष की भूमिका में थे, सड़क पर थे, कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, आने वाले दिन में भी कांग्रेस पार्टी ही सशक्त विपक्ष के रूप में सड़क पर आपको नजर आएगी, और पूरी तरह नौजवान, गरीब, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। समीक्षा भी होगी? समीक्षा तो हो ही रही है, ये तो रोज चल रहा है, बातचीत हो रही है, क्या कारण रहा, कौन सी ऐसी स्थिति रही, तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रणाम सरकार। ठीक है, आप बैठिए, आप हमसे बात करिए, आपके भाई हैं, ठीक है, हम मुलाकात करते हैं, ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात? अभी वो बता रहे हैं जिस तरह से परिणाम आए उसके बाद आज बहुत सारे कार्यक्रम
दिल्ली पहुंचे हैं, समीक्षा चल